नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ अशेषा अधवरियू। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल होता है हमारे सबके दिमाग में। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं, तो आपको इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। शेयर बाजार सबका अधिकार, ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां हैं जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा। और हिंदुस्तान की तेज़ी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। शुरुआत करते हैं इस शो में। हमारे खास इस शो पर दो गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आप हम तक अपने सवाल कैसे पहुंचा सकते हैं। इस शो में आपका स्वागत है, और आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करना होगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे, और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप YouTube पर लाइव कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी है जो टेक्निकल एनालिस्ट है यस सिक्योरिटीज से, और महेश ओझा जी भी जुड़ चुके हैं जो हेमसेक सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले अमोल संजोरे जी ने हमसे यूट्यूब पर सवाल पूछा है, वो ले लेते हैं। उन्होंने PNB हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज इंडस्ट्रीज और कैनरा बैंक, तीन स्टॉक्स पर अपने सवाल पूछे हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस उन्होंने 90 के रेट से लिए थे, 90 शेयर है उनके पास, 798 रुपीज़ प्रति शेयर के रेट से खरीदे थे। गोदरेज इंडस्ट्रीज और कैनरा बैंक पर भी उनको राय चाहिए। महेश जी, आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले PNB हाउसिंग और कैनरा बैंक की बात करते हैं। डेफिनेटली स्टॉक सिलेक्शन ठीक है इनका, तो पहले तो वो दिक्कत नहीं है कि भाई इनको होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है या नहीं, तो स्टॉक सिलेक्शन इनके ठीक है। कैनरा बैंक जो है यहाँ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकता है, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से भी कैनरा बैंक अगर देखें तो वहां पे भी एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड किया जा सकता है। तो कैनरा बैंक और जो आपका गोदरेज इंडस्ट्री है, तो दोनों में फिलहाल कोई दिक्कत लग नहीं रही है, और गोदरेज में भी दोनों में एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूटी भी रख सकता है। बट यस, आपका जो दूसरा हाउसिंग वाला जो है स्टॉक्स, तो उसके अंदर थोड़ा सा एक इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस PNB हाउसिंग के अंदर ये अगर छोटा मोटा अगर 690 के 680 के करीब करीब इनको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो उसको भी होल्ड किया जा सकता है। बट बाकी दो काउंटर है, उसको आप थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म करके होल्ड करिए, वहां पे आपको जरूर मुनाफा भी मिलेगा और वहां पे रेट जो है आसानी से आपको मिल जाएंगे। और PNB हाउसिंग में एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस 680 से 690 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए। ठीक है, तो ये राय थी PNB हाउसिंग और कैनरा बैंक पर। गोदरेज इंडस्ट्रीज पर भी उन्होंने अपना सवाल भेजा है। उनके पास 75 शेयर्स है गोदरेज इंडस्ट्रीज के, जो उन्होंने 887 रुपीस प्रति शेयर के रेट पर खरीदे थे। इस पर भी राय ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या राय बनती है इस स्टॉक पर? जी, गोदरेज इंडस्ट्री ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये 870-875 के लेवल्स को टच कर सकता है। निचले लेवल्स पे 810 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही है गोदरेज इंडस्ट्री में। आज हमें अच्छा खासा FMCG स्टॉक्स में भी ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो उसकी वजह से जितने भी हमारे डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें हमें मोमेंटम दिखाई दिया है, तो गोदरेज इंडस्ट्री में हमारा पॉजिटिव व्यू ही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज पर व्यू पॉजिटिव है, ये राय आपके लिए अमोल जी। आगे बढ़ते हैं, और नितिन भामरे जी ने हमसे बायोकॉन पर सवाल पूछा है। उनके पास 50 शेयर है बायोकॉन के, जो उन्होंने 310 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। उनको जानना है कि बायोकॉन पर क्या राय बनती है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे ही पूछना चाहूँगी, बायोकॉन पर टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनती है? इनके पास 50 शेयर है, तो क्या इनको होल्ड करके रखना चाहिए, या 6 महीने 1 साल के नज़रिए से देखें तो क्या राय बनती है टेक्निकल्स पर?
पिछले 4 से 5 हफ्तों का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन बैंड में ट्रेड कर रहा है। अपर साइड पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस शो कर रहा है जिसका लेवल आ रहा है 325 के ऊपर। तो ये स्टॉक जब तक 325 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तब तक रेंज बाउंड मोमेंटम ही बनेगा। हालांकि निचले स्तर पर 285 का एक सपोर्ट है, तो अंटिल अनलेस हमें एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 325 लेवल के ऊपर, तो इस शेयर को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक बार ये शेयर 325 लेवल्स को क्रॉस कर देता है तब हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की ओर दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को 355 से लेकर 360 के जोन तक पुश कर सकता है। तो इन्हें ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर इन्होंने पहले से ले रखा है तो 285 के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय थी बायोकॉन पर। अभी के लिए शायद मोमेंटम नहीं है। 315 अगर बायोकॉन क्रॉस करता है तो उसके बाद 350 360 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये राय थी बायोकॉन पर। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद अंसारी जी ने बिहार से हमारे लिए एस्टर डीएम के लिए एक क्वेश्चन भेजा है। उनके पास 436 शेयर्स है जो 492.8 रुपीज़ प्रति शेयर के रेट पर उन्होंने खरीदे थे। एस्टर डीएम पर क्या राय बनती है महेश जी? टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनती है, और अगर उनके पास शेयर है तो उनको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली एस्टर डीएम ने कुछ टाइम पहले अच्छा डिविडेंड भी दिया था, तो शायद हो सकता है कि वो डिविडेंड के कारण जो भाव में अपसाइड का भाव था उस भाव में उन्होंने परचेज किया रहेगा। तो यहाँ से भी एक वापस से टेक्निकली कंसोलिडेशन होके 350 से 352 के ऊपर पिछले एक दो दिन से जो क्लोज दे रहा है वो एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। तो फर्दर ये अगर 365 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें 390 तक के 3,9400 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। एस्टर स्टॉप डीएम, लॉस इनको एक सजेस्ट करूंगा 338 का एक स्टॉप लॉस रखिए काउंटर में। अगर 338 ब्रेक करता है तो इसमें फर्दर 310 के लोअर साइड के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को ट्रैक करके इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को ट्रैक करके इसको होल्ड कर सकते हैं। 338 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर 365 के लेवल्स क्रॉस हो सकते हैं तो स्टॉक में मोमेंटम दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंक्स में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी दिखी है। बैंक ऑफ इंडिया पर कुलदीप कुमावत जी ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है। उनके पास बैंक ऑफ इंडिया के 250 शेयर है जो 137 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर उन्होंने खरीदे थे। तो अभी देखें तो थोड़ा सा नुकसान है, 3,000 रुपये का टोटल नुकसान है उनका। लेकिन क्या राय बनती है बैंक ऑफ इंडिया पर, ये हम महेश जी से पूछेंगे। पीएसयू में जो रैली है क्या वो कंटिन्यू हो सकती है? इलेक्शंस है, मार्केट्स काफ़ी वॉलिटाइल है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया पर महेश जी क्या राय बनती है? डेफिनेटली पीएसयू सेक्टर जो है पूरा का पूरा वापस से यहाँ से एक रिवाइवल एक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। उसमें पीएसयू सेक्टर का एक अच्छा खासा रोल रहेगा। तो वहाँ पे एक जो भी रैली है उसमें सारे पीएसबी बैंक शायद पार्टिसिपेशन करने की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें भी इसको होल्ड किया जा सकता है। यहाँ पे फर्दर 155 से 160 के लेवल जो है वापस इसमें दिखाई दे सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही है पीएसबी, सारी पीएसबी की बैलेंस शीट जो है काफी सुधर चुकी है ऑलरेडी। तो इसको थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा 6 से 9 महीने का रखें और होल्ड करें, आपको डेफिनेटली अपसाइड मिलेगा। और पीएसबी सेंटर पूरा का पूरा जो है यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। एक इलेक्शन के जो आउटकम आने की देरी है, अगर इलेक्शन के आउटकम मार्केट के हिसाब से आते हैं तो पीएसबी सेक्टर में अपने को अपसाइड मोमेंटम दिखाई देगा। या फंडामेंटल्स के नज़रिए से देखें तो बैंक ऑफ इंडिया पर पॉजिटिव आउटलुक है। 6 से 12 महीने की अवधि से अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो ये राय बनती है बैंक ऑफ इंडिया पर। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस पावर पर हमारे लिए सबिता पॉल जी ने एक सवाल भेजा है। 250 शेयर है उनके पास रिलायंस पावर के, जो उन्होंने 27.56 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। थोड़ा सा नुकसान है अभी के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो, लेकिन लक्ष्मीकांत जी क्या राय बनती है रिलायंस पावर पर? जी, रिलायंस पावर पिछले कुछ हफ्तों से साइडवे ट्रेंड में मूव कर रहा है। हालांकि इसमें एक आज पॉजिटिव मोमेंटम आया था, बट इसमें जो भी पॉजिटिव मोमेंटम आया था क्लोजिंग में थोड़ा सा इसने मोमेंटम लूज किया है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे लगता है कि बुलिश ही रहेगा जब तक ये स्टॉक 23 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है। और एक बार ये स्टॉक 27.50 के ऊपर अगर हमें एक ब्रेक थ्रू देता है तब वहाँ से हमें इसमें एक मोमेंटम दिखाई देगा जो कि इस स्टॉक को 32 से लेकर 33 के जोन तक पुश कर सकता है।
तो मेरे हिसाब से इनको जो मैंने स्टॉप लॉस बताया है 23 का, उसके साथ इसमें इसको होल्ड रखना की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह रिलायंस पावर पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं। मेटल्स में भी पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है। 1 month या ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है और एक टॉप गेनर वेदांता रहा है। ग्लोबल मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं कमोडिटीज़ को लेकर, जिसके चलते वेदांता में तेज़ी दिखी है। तो भूपेंद्र शर्मा जी ने वेदांता पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 225 शेयर है वेदांता के, जो 396 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। वेदांता पर अभी देखें तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और पिछले 1 महीने में देखें तो वेदांता काफी भाग चुका है। लेकिन क्या राय बनती है महेश जी वेदांता पर? जो रैली हमने मेटल्स में देखी है, जो रैली वेदांता में देखी है, क्या वो कंटिन्यू हो सकती है? डेफिनेटली आप ही के शो पे अपने लास्ट 1 month पहले यही भाव में डिस्कस शायद किया था, तो वहां से 480 से 500 तक के लेवल अपने सजेस्ट किए थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अच्छा खासा मोमेंटम वेदांता में अपने को देखने को मिला है, यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बट यस, एक कंसोलिडेशन जोन जो है अपने को देखने को मिल सकता है, थोड़ा टाइम करेक्शन बोल सकते हैं, तो वो वाला कंसोलिडेशन जोन जो है वो अपने को देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा मैं इसमें, 454 का एक स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहे। अपर साइड के लेवल जो है 520-525 के बाद में इसमें वापस एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा, जो स्टॉक को शायद हो सकता है कि इससे अपर साइड के लेवल भी 560 से 570 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट यस, अभी एक टाइम करेक्शन का जो है शायद मोमेंट चालू होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत एक पेशेंस से होल्ड किया जा सकता है। वेदांता में अभी भी यहाँ से पॉजिटिव है, बट यस एक कंसोलिडेशन जरूर होगा, यहाँ से भी अपर साइड विजिबल है, होल्ड करिए। ठीक है, तो वेदांता में पॉजिटिव नज़रिया, स्टॉक काफ़ी भाग चुका है लेकिन उसके बावजूद अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है, अभी भी अपसाइड नज़र आता है वेदांता में। आगे बढ़ते हैं, हमने मेटल्स की बात कर ली, बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर ली, अब FMCG पर नज़र डालते हैं। नेस्ले, विनय पांडे जी ने नेस्ले पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास 18 शेयर्स हैं नेस्ले के, 2650 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। उनको जानना है कि उनको क्या करना चाहिए अपने पोजीशन को लेकर। महेश जी, टेक्निकल्स पर नेस्ले पर बात करें तो क्या राय बनती है? डेफिनेटली आप देखिए, FMCG जो है आज मोमेंटम में थे सारे सेक्टर, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है इनमें बना हुआ है, नेस्ले में भी। तो एक स्टॉप लॉस जो है 2320 का स्टॉप लॉस जो है, थोड़ा सा लो लेवल का स्टॉप लॉस है, बट 2320 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करिए। अपर साइड के लेवल इनको 2650 से 2700 तक के लेवल तो मिल ही सकते हैं। अगर 2720 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करते हैं तो उनको 2800 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया जो 6 से 9 महीने का रखिए, यहाँ से भी पॉजिटिव मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा। डिमांड जो है जो देखने को आ रही है वो भी ठीक ठाक आ रही है FMCG की वापस से, तो फंडामेंटली और टेक्निकल दोनों इंडिकेटर के हिसाब से पॉजिटिव है नेस्ले पे अपना भी। तो एक लोअर लेवल का स्टॉप लॉस जो मैंने सजेस्ट किया है 2320-2310 के करीब करीब आप लगा के और उसको होल्ड करिए। फंडामेंटली देखें या टेक्निकली देखें, रैमको सीमेंट पर नेस्ले पर नज़रिया पॉजिटिव है। 6 से 12 महीने की अवधि से अगर आपने इन्वेस्ट किया है और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड की राय हमारे गेस्ट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो याद रखें, सीमेंट प्राइजेस पिछले कुछ क्वार्टर्स में गिरे हुए हैं। इलेक्शन को लेकर डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर रही है। अनसीजनल रेन के चलते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर इम्पैक्ट हुआ है, जिसके चलते सीमेंट डिमांड पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन सीमेंट सेक्टर पर क्या नज़रिया है, इस पर फोकस करते हैं। कोलकाता से परियल ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है रैमको सीमेंट पर। उनके पास 400 शेयर है रैमको सीमेंट पे, जो उन्होंने 770 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी के मार्केट प्राइस से देखें तो उनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन क्या राय बनती है? लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगी। रैमको सीमेंट जो सीमेंट स्पेस से है, उस पर क्या राय बनती है? जी, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, बट पिछले 3 दिनों से देखा जाए इसमें एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से। सो एक स्विंग ट्रेड बनता है यहाँ पर। 785 के ऊपर अगर ये निकलता है स्टॉक, तब यहाँ से स्टॉक में हमें 810 से लेकर 825 का रेंज दिखाई दे रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है, क्योंकि अगर हम निचले स्तर पर देखें तो एक स्टॉप लॉस बन रहा है जो कि 775 के लेवल से आ रहा है।
तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो अगर इन्होंने बाय करके रखा है तो मुझे लगता है यहाँ से इनको 810 से लेकर 825 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो मोमेंटम पॉजिटिव है ये टेक्निकल्स पर राय, रैमको सीमेंट पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं। कृष्णा रेड्डी जी ने हमारे लिए देवयानी इंटरनेशनल पर एक सवाल भेजा है। उनके पास 100 शेयर है देवयानी इंटरनेशनल के, जो उन्होंने 120 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो उनको 3,300 रुपये का टोटल मुनाफा हो रहा है, लेकिन देवयानी इंटरनेशनल पर क्या राय बनती है? महेश जी आपके पास आना चाहूंगी, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों पर अपनी राय दीजिए देवयानी इंटरनेशनल पर। डेफिनेटली फंडामेंटल हिसाब से देखें तो देवयानी बढ़िया काउंटर है, तो इसके अंदर वैसे तो बने ही रह सकते हैं। फंडामेंटल हिसाब से अपर साइड के लेवल जो है इनके काफी 200-220 तक के लेवल जो है वो विजिबल है। थोड़ा टाइम करेक्शन का मोमेंटम चल रहा है स्टॉक में, इस स्टॉक को एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है जिससे कि वो अपसाइड वापस से जा सके। बट यस, टेक्निकल देखे तो एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक काफी दिनों से चल रहा है। 165 के ऊपर वो काफी टाइम से सस्टेन नहीं कर रहा है। जब भी ये 165 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन करेगा तब हमारे हिसाब से ये 185 से 195 के जो लेवल है वो दिखा देगा। बट ये टेक्निकली अगर देखे तो वहां पे यहाँ पे भी एक 138 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। 138 का बिलो क्लोजिंग अगर देता है तो स्टॉक इसमें 120 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो 138 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। फंडामेंटली स्टॉक जो है ठीक लग रहा है और यहाँ पे इसमें भी अपसाइड जाने का दमखम है। 185 से 195 के टारगेट ध्यान में रखें। ठीक है, तो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। 190 से 195 तक के टारगेट देवयानी इंटरनेशनल पर दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं और मुकेश जी के पास IOC के 150 शेयर है, जो उन्होंने 84 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। 84 रुपीज़ के दाम पर खरीदे थे तो अभी तो मुनाफे में है, 12,500 रुपये करीब मुनाफा हो रहा है, लेकिन IOC पर क्या राय बनती है वो लक्ष्मीकांत जी से जानेंगे। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय बनती है IOC पर? जी, IOC ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनाया है 160 से लेकर 156 के जून पर, वहाँ पे इसके 100 DMA मूविंग एवरेजेस भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक IOC इसके ऊपर सस्टेन करता है इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, और आने वाले समय में यहाँ से स्टॉक 179 से लेकर 182 के जोन हमें अपसाइड के लेवल्स शो कर सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही है इसमें, और अगर इन्होंने और यहाँ पर जो एक इमीडिएट स्टॉप लॉस बनता है वो बन रहा है 157 का। तो जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर रहता है तब तक हम एक पॉजिटिव अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं IOC में। क्या ये राय थी IOC पर? टायर सेगमेंट से सबसे महंगा स्टॉक, इनफैक्ट टायर सेगमेंट नहीं, भारतीय बाजारों में ही बात करें तो सबसे महंगा स्टॉक MRF की बात करते हैं। दिनेश जी के पास 2 शेयर है MRF के, 88,000 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। अब देखें तो 1,28,000 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा मुनाफा है, महंगा स्टॉक है। सबसे पहले टेक्निकल्स पर राय ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्टॉक को देखें तो क्या राय बनती है टेक्निकल्स पर? जी, इसने भी एक बेस फॉर्मेशन बनाया है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। सो यहाँ से मुझे लगता है कि इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 1,30,200 के ऊपर। तो वहाँ से इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट होगा, जो कि इस स्टॉक को 1,33,000 से लेकर 800 के लेवल्स तक अपसाइड मूव इसमें देखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश ही है, एक साइडवेज मूव का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी ओर से होल्ड की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। MRF पर होल्ड की सलाह, टेक्निकल्स पर एक फंडामेंटल नज़रिया भी ले लेते हैं MRF से। टायर इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। महेश जी, क्या राय बनती है? अगर फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट में वॉलिटिलिटी है, लेकिन MRF की इन पर्टिकुलर बात करें तो क्या राय बनती है? बेस अगर फंडामेंटली की बात करें तो काफी कुछ अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक सभी को महंगा लगेगा। बट स्टॉक्स के अंदर काफी पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो भी सर्टेन टाइम के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो स्टॉक्स में से एग्जिट कर लेना चाहिए। बट यस, टेक्निकली हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्टॉक्स में एक जान बनी हुई है। एक जैसे कि लक्ष्मीकांत जी ने सजेस्ट किया,
मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा 1,30,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इनको फर्दर अपसेट 1,38,000 से 1,40,000 तक के, वो 40,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट फंडामेंटली अगर काउंटर में देखे तो फंडामेंटल के हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। बट स्टॉक्स में काफी सारी चीजें हैं वो ट्रिगर कर रही है, तो टेक्निकल को ज्यादा प्रिफरेंस ये लेवल पे देना चाहिए। ठीक है, तो ये राय थी एमआरएफ पर। फंडामेंटली देखें तो अपने पोजीशंस आपको एग्जिट कर लेने चाहिए। महेश जी और लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के इस स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। और इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।